श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुण रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश जुकार। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। साथियों, हम आप लोगों की सेवा में ये दूसरा प्रोग्राम द्रौपदी चीरहरण लीला की रखने जा रहे हैं। बड़ा ही करुणारस का ये प्रसंग है कि पांडवों की दुर्दशा दुर्योधन की भरी सभा में किस प्रकार से होती है। अपनी बहना द्रौपदी की लाज माधव मुकुंद ब्रजचंद नंद नंदन लीला पुरुषोत्तम गिरधारी कैसे बचाते हैं, ये पावन प्रसंग हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। उससे पहले एक भजन है, गोपियां भगवान के वियोग में कह रही हैं उस समय जिस समय प्रभु मथुरा से गोकुल की तरफ चल रहे हैं। हो जतन बताए जायो कैसे दिन बीती है। हमरी छवाए जइयो कैसे दिन बीती है। जतन बताए जायो कैसे दिन बीती है। जतन बताए जायो कैसे दिन बीती है। जतन बताए जायो कैसे दिन बीती है। अचरा चीर के तगदा बनायो। अचरा चीर के तगदा बनायो। अपनी सुरतिया मोहन अपनी सुरतिया मोहन हमका दिखाए जायो कैसे दिन बीती है। जतन बताए 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 जायो कैसे दिन बीती है। कहा तो कभी
कबीर सुनो भाई संतो, कहा तू कबीर सुनो भाई संतो, बहिया पकड़ हमें बहिया पकड़ हमें, रहिया दिखाए जाया कैसे दिन बीती हैं, जतन बताए जाया कैसे दिन बीती हैं, जतन बताए जाया कैसे दिन बीती हैं। बहिया पकड़ हमें, रहिया दिखाए जाए कैसे दिन बीती हैं, जतन बताए जाए कैसे दिन बीती हैं, जतन बताए जाए कैसे दिन बीती हैं, जतन बताए जाए कैसे दिन बीती हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बंधुवर, अब हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं द्रौपदी चीरहरण की पावन गाथा। और देखिए, इस गाथा में आपको बस एक ही बात मिलेगी, और मेरा तो उन भारतीय माताओं से कहना है कि आप लोग सोचे विचार करें महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। शायद अगर एक बार पांचाली द्रौपदी सबर से काम लेती, अपनी जिभ्या को संभाल कर बोलती, तो शायद इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता, इतनी माताएं विधवाएं नहीं बनती, इतने बच्चे बिना बाप के ना होते, इतनी क्षति ना होती हमारे देश की। जीवन में एक बार संभल कर ना बोलने की वजह से इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। दोस्तों, जीवन में तीन चीजें जाने के पश्चात कभी वापस नहीं आती, इसलिए अगर आप तीन वस्तुओं को करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें। जुबान से निकली हुई बात कभी जुबान में वापस नहीं आती। अगर किसी को आप कुछ बोलें तो बड़ा सोच समझ कर बोलें। कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकली हुई गोली, ये अपने स्थान पर कभी वापस नहीं आती। किसी को निशाना लगाएं तो बड़ा सोच समझ कर लगाएं। गया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता। आज का ये दिन, आज की ये तारीख, आज का ये सन अब आपके जीवन में कभी भी दोबारा नहीं आएगा। द्रौपदी ने एक बार अपनी जिभ्या का प्रयोग गलत किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ। ये घटना किस समय की है? धर्मराज ने जब पहले एक पावन यज्ञ महान किया, कोषाध्यक्ष बना दुर्योधन का समुचित सम्मान किया। मैं दानव की सभा बीच धो का खा गया ना ध्यान किया, अंधों के अंधे होते हैं द्रौपदी ने अपमान किया। जंग बाण से घायल दुर्योधन हो व्यस्थित बेशरीर चला, दुष्ट दुशासन उस अबला का जब खींचने चीर चला। आइए इन्हीं भजनों की चौपाइयों को लेते हुए हम द्रौपदी चीरहरण लीला की कथा को प्रारंभ करते हैं। यह घटना कहां से होती है? जिस समय पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कर डाला, यह कथा हम आपको पहले सुना चुके हैं। जिस समय यज्ञ समाप्त हो गया, मैं दानों की बड़ी सुंदर सभा बनी हुई है, ऐसी सभा जिसके अंदर जहां पर जल था वहां पर थल का भ्रम होता है, यानी जहां जमीन थी वहां ऐसा मालूम पड़ता है कि यहां पर पानी भरा हुआ हो, जहां दरवाजे थे वहां पर यह मालूम पड़ता था
कि जैसे यहाँ पर आम रास्ता बना हुआ हो, जहां पर रास्ते थे वहां पर मकान मालूम पड़ते थे। तो ऐसी सुंदर विशाल सभा को भाइयों दिखाने के लिए भीम भैया युधिष्ठिर दुर्योधन और मामा शकुनी को अपने साथ में लेकर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसी सुंदर कारीगरी थी हमारे देश की, कैसे सुंदर थे कारीगर, कैसी सुंदर नक्काशी दिखाई गई है उस मैदानों की सभा में। कि प्रात काल का था समय शकुनी को ले साथ, चले सभा को देखने दुर्योधन नरनाथ। भूपाल युधिष्ठिर भीमार्जुन सहदेव नकुल को साथ मिले, और महारानी कुंती भी द्रौपद पुत्री का कर निज हाथ मिले। अनुगामी बने सुयोधन के अति हित से सभा दिखाने लगे, यहाँ की अद्भुत रचना लख कर धृतराष्ट्र तने चकराने लगे। मैदानों की सभा के बीच में टहलते हुए जा रहे हैं कौन? दुर्योधन जी, धृतराष्ट्र तने और साथ में मामा शकुनी भी हैं। भारत की कारीगरी की आंखों से देखते हुए चले जा रहे हैं। कैसी सुंदर कारीगरी है, जरा मैदानों की सभा का आप लोग थोड़ा सा नक्शा देखें, घूमें कि एक जगह सभा में ऐसी थी जो नक्श में बस तालाब के थी। हाँ फरस इस तरह का जिसकी धुती बिल्कुल मानिंद आब के थी। और एक भी था कुछ बंगले थे यहाँ बने हुए, ऐसे दिखते जन मछली जी खाने को निश्चल खड़े हुए। झूठी शोभा को देख देख इंसान मगन हो जाते थे, पर ये असली वस्तु है क्या इसका कुछ भेद न पाते थे। ऐसी सुंदर सभा बनी हुई है, लोग बार बार सोचते थे कि ये मछली, ये शिल्पकारी, ये क्या वस्तु है। लाख सोचने पर भी बेचारे लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये क्या बना हुआ है, आखिर में इसका असली रूप क्या है। और मामा शकुनी का तो भैया हाल ही ना पूछो, चक्कर में पड़े हुए हैं, ये कैसी सभा है, क्या है, कौन सी बला है, क्या देखते हुए हम जा रहे हैं। शकुनी की बुद्धि भी इसको लखते ही फौरन चकराई, ये हाल देख इन लोगों का मुस्काए कुछ पांचों भाई। जब मामा शकुनी की बुद्धि को चकराते हुए देखा तो पांचों पांडव जो है ना हंस करके कहने लगे, देखा सामने मामा शकुनी ठहर गए कुछ घबरा करके कि हम कहां जा रहे हैं। देखा पांडवों ने तो क्या कहते हैं, आखिर बलवीर गदाधारी बोले भैया क्यों ठहर गए। कुछ आगे बढ़ो अभी तुमको, कुछ आगे बढ़ो अभी तुमको, कई दृश्य देखने नए नए। इस तालाब पर हो चलो, कोई डर और कोई घात नहीं, ये शिल्प का एक नमूना है, ये शिल्प का एक नमूना है,
धोखे की है कुछ बात नहीं। लेकिन कपटी दुर्योधन को ये सुनो नहीं तनिक यकीन हुआ। करता है भी महसी ये गुण, वो गुस्से में लवलीन हुआ। मामा शकुनी ने देखा कि सामने एक तालाब बना हुआ है। मन में सोचना है मैं तालाब के आगे जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, मेरे कपड़े भीग जाएंगे। चकराकर खड़े हो गए तो हंस करके भीम कहने लगे, भैया अरे आप खड़े कैसे हो गए मामा शकुनी, आइए आगे आइए और आप डरिए नहीं, ये तालाब जो दिखाई पड़ रहा है ना इसी के ऊपर से चले चलो, ये तालाब नहीं है, घबराइए नहीं, हमारे साथ में आइए। लेकिन कपटी दुर्योधन जो है ना आज अपने मन में सोचता है, मालूम पड़ता है जानबूझ करके ये पांडव हमको तालाब में गिराना चाहते हैं। देखो ना सामने तालाब बना हुआ है और कहते हैं यहां पर तालाब ही नहीं है। जिसका हृदय जैसा होता है ना, कपटी को सारी दुनिया कपटी ने डराती है। लेकिन भाइयों सच्चे हृदय वाले की फरियाद हर एक जगह सुनी जाती है। भक्ति अगर सच्चे मन से करोगे ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, और बेमतलब की भक्ति जिंदगी भर करते रहो। भक्ति भी कई प्रकार की होती है, एक होती है सच्ची भक्ति और एक होती है बगुला भक्ति। बगुला भक्त आपने कभी देखे ना? देखे हो आप जाइए तालाब के किनारे, आप देखते होंगे बड़े बड़े सफेद सफेद बगुले होते हैं, और बगुला एक पैर से खड़ा होता है। एक दिन मछलियां गईं और बगुले से पूछने लगी कि बगुले मामा एक बात बताओ, आप एक पैर से क्यों खड़े हो? जानते हो उसने क्या कहा? कहा भांजी हो तुम्हें नहीं मालूम, अरे हम एक पैर से इसलिए खड़े हैं क्योंकि एक पैर पर खड़े खड़े हम राम राम की माला जप रहे हैं। मछलियों ने कहा मामा ऐसा क्यों? कहा क्योंकि हम काशी जी से जाकर गुरु मंत्र ले आए हैं इसलिए माला जप रहे हैं एक पैर पर खड़े खड़े। मछलियों ने कहा मामा अब तो आपने हम लोगों को खाना भी छोड़ दिया होगा। अरे कहा तुम खाने की बात करती हो, हमने तुमको देखना तक छोड़ दिया है, छूना तक, स्पर्श करना तक छोड़ दिया। कहा तुम्हारे पास में आवे खाओगे तो नहीं? कहा बिल्कुल नहीं। दो चार चली लेकिन उनमें से कुछ ने कहा सुनो इनकी बातों में ना आओ, ये बड़े कपटी हैं, इनके मन में कुछ और है, अरे देखने में सफेद है इसके मन में बड़ा कपट है। दो चार ने कहा नहीं भाई, जब काशी जी से गुरु मंत्र ही ले आए हैं तो अब हमको आपको खाएंगे क्यों, चलो चलकर देखते हैं। बेचारी भोली उस कपट जाल रूपी में बगुले की बातों में फंसकर जैसे ही पास में आई, मारी टप से टोट खा गया, फिर एक पैर से खड़ा होकर के राम राम जपने लगा। तो दोस्तों लेखक कहता है ऐसी सुंदरता से क्या लाभ जो ऊपर से तो सुंदर हो जिसका मन इतना काला हो। कि मन मैले उजले बगुला से बरसाती मिड़का अच्छा है, मन मैले उजले बगुला से बरसाती मिड़का अच्छा है, मन मैले उजले बगुला से बरसाती मिड़का अच्छा है, और उन चिकने चुपड़े मनैन ते, मनैन मतलब ऐसे चिकने चुपड़े व्यक्तियों से आदमियों से जो आपके मुंह पर बड़ी मीठी मीठी बातें करें और आपके पीछे आपकी काट करें, आपकी बुराई करें, आपको दलील करने की कोशिश करें, ऐसे व्यक्तियों से वो व्यक्ति अच्छा है कौन जो मुंह पर आपकी बुराई कर दे। उन चपने चुपड़े मनैन से मुंह फट्टा मनई अच्छा है, कुछ सार नहीं। उन ऊंचे ऊंचे महलों से, उन
ऊंचे ऊंचे महलों से मगरे का फरका अच्छा है। उन ऊंचे ऊंचे महलों से मगरे का फरका अच्छा है। दुर्योधन कहता, नहीं भाई मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे तालाब है और आप लोग मुझको जानबूझ करके इस तालाब में गिराना चाहते हो। इसलिए उसने अपने कपड़ों को ऊपर उठा लिया कि अगर मैं तालाब के अंदर गया भी तो मेरे कपड़े भीगने से बच जाएंगे। लेकिन जब पहुंचा वहां भैया तो देखा तालाब वास्तव में नहीं था, कपड़े उसने फिर मजबूर होकर अपने नीचे कर लिए। जान इसे सूखी जगह दुर्योधन मुस्काए, फुर्ती से आगे बढ़ा गिरा नीर में जाए। पहली बार तो बच गया, कपड़े ऊपर किए, लेकिन जब आगे पहुंचा जहां पर वास्तव में तालाब था वहां उसको लगा जैसे सूखा हो। और जैसे ही आगे बढ़ता है सूखी जगह समझकर धड़ाम से तालाब के अंदर गिर पड़ता है। ये दृश्य यानी ये जो गिरना था इसका, ये वही छत के ऊपर महलों के ऊपर द्रौपदी पटरानी खड़ी हुई हैं, उन्होंने देखा तो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उनका हंसना ही भाइयों जीवन का रोना हो गया। द्रौपदी अपने सखियों के साथ दुर्योधन को तालाब में गिरते हुए देख करके हंसती है और जानते हो क्या बोली? ऐसी बोली बोली जिसने जीवन का रंग ही बदल डाला। ये देख सभी खिलखिला उठी, बोली ओ सुद्रुपद सुता बानी, अंधे का सुत है फिर कैसे दिखे ये भूमि है या पानी। अंधे का सुत है फिर दिखे दिखे ये भूमि क्या है पानी। दुर्योधन जल कर खाक हुआ, पर अद्भुत कारीगरी निरख हो गया मुग्ध और अवाक हुआ। द्रौपदी हंसती हुई कहती है, बहनों आखिर दिखाई कहां से पड़ेगा, अंधे के अंधे तो होते हैं, अरे जब बाप अंधा है तो बेटे की आंखें कहां से आएंगी। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे। साथियों कभी ऐसा होता है, गोली का मारा हुआ व्यक्ति बच सकता है लेकिन बोली का मारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं बचता। दुर्योधन उस वक्त अपने गुस्से पर काबू कर गया लेकिन मन में सोचता है, रह जा द्रौपदी, तूने ऐसे घोर शब्द मेरे साथ में प्रयोग किए हैं ना, बताऊंगा समय आने पर, दिखाऊंगा किस अपमान का बदला क्या होता है। लिया युक्ति से काम उस समय, रोका गुस्सा भारी को, सोचा पासे में फांसूंगा धर्मराज व्रत भारी को। जांग पे अपनी बिठलाऊंगा इस अभिमानी नारी को, दुशासन से नंगी करवाऊंगा देखो द्रुपद दुलारी को। वारे क्रोध की आग, सुचि भावज की लाज लूटने, सुचि भावज की लाज लूटने वह देवर बेफिर चला। दुष्ट दुशासन उस अबला का जब खींचने चीर चला। जिस समय द्रौपदी ने कहा
अंधों के अंधे होते हैं। दुर्योधन ने उस वक्त अपने क्रोध को थाम लिया, लेकिन मन में सोचता है, रह जा द्रौपदी, समय आने दे। मारे क्रोध के उसका हृदय भड़क रहा है, लेकिन चतुराई से गुस्से पर काबू पाया। लेकिन ये गुस्सा ब्रकोदर भीम जी ताड़ गए कि भैया नाराज हो गए। अरे का आओ भैया आओ, जरा सी बात पर आप तेज होने लगे। ये देवर और भाभियों की हंसी तो हमेशा से चली आई है, होती रहती है। ये तो केवल हृदय को जलाने के लिए होती है, आपस में हंसने और हंसाने के लिए होती है। चलो अपने कपड़े बदल दो, सोच विचार छोड़ो और चलो भैया आगे चलते हैं, और भी हम आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं। इतना कहे दुर्योधन को झट सूखे कपड़े हैं पहिराए, फिर और एक अचरज कारक स्थान के निकट चले आए। और एक बढ़िया स्थान बना हुआ था, वहां को दिखाने के लिए लाए। कैसा स्थान बना हुआ है? थी बनी हुई इस जगह एक दीवार में द्वार सकल भारी, लेकिन वो असल नहीं थी, नकली थी सब पच्चाकारी। धृतराष्ट्र तने की गुस्से में बुद्धि थी नहीं ठिकाने पर, पांडव को कैसे जेर करूं, सब ध्यान था इसी निशाने पर। बिना द्वार उसे ज्यों ही ये तो क्यों ही सिर है टकराया, ये देख सभी हंस उठे, तुरंत दुर्योधन फौरन खिसियाया। सामने एक दीवार बनी हुई थी, लेकिन मालूम यह पड़ता था कि यहां दीवार वगैरह कुछ नहीं है, फर्स्ट क्लास सुंदर रास्ता है। और इधर दुर्योधन की बुद्धि मारे गुस्से में ठिकाने पर भी नहीं थी, मन में सोच रहा था कौन सा मौका मिले जो मैं इन पांडवों को नीचा दिखाऊं। अस्तु जान तो क्या हुआ, बेचारा दुर्योधन कस के दीवार से टकराया, उसका सर एकदम से झंझना उठा, खिसिया गया और आगे पहुंचा। आगे असली द्वार पर और था समझ उसे दीवार, ठिठके अंध तने यहां करने लगे विचार। आगे जहां पर दरवाजा था उसको दीवार समझ बैठे। मन में सोचते हैं दुर्योधन, हे ईश्वरी क्या करिश्मा है, कैसा घर बना हुआ है। जब ठिठक गए, खड़े हो गए, दरवाजे को दीवार समझ कर खड़े हो गए, तो हंसने लगे भीम, भैया आओ आओ और आगे आओ, अभी तो बड़ी लंबी चौड़ी सैर करनी है। झुंझला गया कौरवपति दुर्योधन, अरे भीम तो मेरी मजाक बनाते हो, अरे सरासर सामने दीवार खड़ी हुई है और दीवार को दरवाजा बताते हो, मेरे साथ में मजाक करते हो। हंसी आ गई भीम को, सुन बेढंगी बात। ये लगकर जलने लगा दुर्योधन का गात। भाई की बात को सुनकर भीम को कुछ हंसी आ गई कि देखो तो भैया, अरे अच्छा खासा दरवाजा है और उसको बता रहे हैं दीवार है। सुन करके क्रोध में कहने लगा दुर्योधन, बस भाई बस, युधिष्ठिर भैया सैर हो गई, जो को टहलना था टहल लिया, ये तो जादू की नगरी मालूम पड़ती, मैं लाचार हो गया, हैरान हो गया, मुझको भैया विदा दो, मैं तो अब घर जाऊंगा, मुबारक हो आपको, मैं कसम खाता हूं यहां जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। हैरान हुआ लाचार हुआ, दो विदा मुझे घर जाने की, ये सभा मुबारक रहे तुम्हें, खाता हूं कसम यहां आने की। भैया युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर कसम खा करके चलाया कि अब जिंदगी में सभा में दोबारा नहीं आऊंगा। घर में आ तो गया, लेकिन बार बार दोस्तों उसे वही शब्द याद आ रहे हैं, बार बार वो शब्द हृदय को खरोते हैं कि द्रौपदी ने मुझसे कहा कि अंधों के अंधे होते हैं, मुझे गड्ढे में गिरते देखकर, मुझे दीवार से टकराते हुए देखकर। और भीम बार बार मुस्कुराया, भीम का मुस्काना, द्रौपदी की वो बात आज बार बार उसके हृदय में घाव पैदा करती जाती है। मन में सोचने लगा कि बस अब ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या है, जिस जीवन में मेरा अपमान हो गया, अब मैं ऐसा जीवन जीकर क्या करूंगा। चिंता में दिन रात घुलने लगा। देखो भाइयों, चिता अच्छी है लेकिन चिंता खराब है।
चिता मरे हुए व्यक्ति यानी मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता वो वस्तु है जो जीते हुए प्राणी को जलाकर भस्म कर देती है। कि ये चिंता रूपी दावानल जिसके तन में लग जाती है, नहीं धुआं निकलता है बाहर, नहीं धुआं निकलता है बाहर, भीतर भीतर ही जलती है, इस चिंता ने कर दिया नष्ट सब तेजो बल दुर्योधन का, हो गया छीन सारा तन इस अग्नि से दुर्योधन का, ये जब चिंता रूपी आग भड़कती है हृदय के अंदर तो सारे शरीर को जलाने लगती है, भस्म कर देती है पूरे शरीर को। आज इसी चिंता में दुर्योधन जलने लगा, उपाय सोचने लगा कौन सा उपाय मिले जिससे मैं पांडवों का विनाश कर डालूं, अपने अपमान का बदला ले डालूं, सारे मंसूबे बनाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। एक दिन जब परेशान हो गया अपने हृदय में घुलते घुलते, तब तन तजने के लिए हुआ तुरंत तैयार, विष को लेकर हाथ में करने लगा विचार। एक दिन जब उसे काफी दुख हुआ तो अपने हाथों में उसने जहर का प्याला उठाया और उस जहर के प्याले से कहता क्या है कि सहते सहते अपमान मित्र मेरी बुद्धि चकुराई है, आया हूँ शरण किसी से मैं मेरा तू सच्चा भाई है, निर्लाज जिंदगी से मुझको अब शीघ्र ही सखा छुड़ा दे तू, कर प्यारे सखा दया मुझ पे जीवन को शांत बना दे तू, मैं तुझको पी कर सब जग की नजरों से अभी छिपाता हूँ, तू मुझे छिपा दे दुनिया से है सखा ये विनय सुनाता हूँ, विष से कहता है जहर के प्याले से कि ए मित्र जहर, अब मैं लोगों का अपमान सहते सहते दुखों से घिर आया हूं, अब सारे दुखों से मुंह मोड़ करके मैं तेरी शरण में आया हूं क्योंकि तू अब ही मेरा आखिरी सच्चा भाई है, ऐसी निर्लज जिंदगी जीने से मुझे क्या फायदा, ऐसी निर्लज जिंदगी से ऐ सखा विष ऐ सखा जहर अब मेरा छुटकारा दिलवा दे। रिपुओं का दल बढ़ता जाता है, उनके दलों से घिर करके मैं दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता हूं, फटकारे खाता हूं, इसलिए अब मैं अपना दामन तेरे पास में छिपाने के लिए आया हूं, ऐ मित्र ऐ सखा अब तू मेरे प्राणों को लेकर मुझे इस घोर कष्ट से दूर कर दे। ऐसा कहकर जैसे ही दुर्योधन ने विष का प्याला उठाकर पीना चाहा, उसी समय भैया मामा शकुनी कहीं से आ गए। ज्यों ही विष खाने लगे दुर्योधन नरनाथ, शकुनी ने आ शीघ्र ही पकड़ा इनका हाथ। ये सब हाल जानता था शकुनी कि दुर्योधन जहर का प्याला क्यों पी रहा है, लेकिन भाइयों बड़ा कपटी शकुनी है,
आल्हा में यदि माहिल ना होता तो राजाओं का कभी विनाश ना होता, महाभारत में यदि शकुनी ना होता तो पांडवों का कभी और कौरवों का कभी अहित ना होता, रामायण में यदि कैकेयी ना होती तो शायद इतनी बड़ी लंबी कहानी नहीं बनती। सब जानता है शकुनी की दुर्योधन क्या सोच रहा है और क्यों जहर पी रहा है, फिर भी कहता है भैया अरे ये क्या कर रहे हो, कमाल कर दिया तुमने, ये जहर का प्याला पीने जा रहे हो, ऐसा नीच विचार तुम्हारे मन में कैसे आया, राजाओं के महाराजा होकर के भी और आज फिक्र करते हो, हम तो तुम्हारा आदर करते हैं, अरे कोई अपमान वाली बात है, कोई बात है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए प्राण दे सकता हूं। बोला दुर्योधन तुरंत अब नहीं रखूं प्राण, विष को पीकर शीघ्र ही खोऊंगा निज जान, मामा छोड़ दो मुझको, मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगा, मामा मुझे जहर पीने दो। शकुनी ने कहा ये क्या कर रहे हो दुर्योधन, ये कैसी अनहोनी बातें करते हो, आज अपने प्राणों को खोना चाहते हो, खबरदार रुक जाओ। कहा नहीं मामा, मुझे जहर पीकर मर जाने दो, मैं आज नहीं बचूंगा, और अगर तुमने जहर नहीं पीने दिया तब भी मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, यदि इससे मुझे हटाओगे अग्नि से जल मर जाऊंगा। या कुएं बावली में गिरकर मैं अपने प्राण गंवाऊंगा, मुझसे नहीं देखा जाता है, मुझसे नहीं देखा जाता है, उनके गुण गानों को सुनकर ये हृदय बहुत दुख पाता है, हे मामा मर जाने दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता, पांडवों के अपमान को सहते सहते अब मैं तबाह हो गया हूं, मर जाऊंगा, रोकोगे तो मैं कुएं या बावली में गिरकर मर जाऊंगा, लेकिन अपने प्राणों को मैं अब नहीं रखूंगा। मामा कहने लगे अरे दुर्योधन ये कैसी बातें सोचते हो, पहले मेरी बात तो सुनो, तुम्हें दुख किस बात का है मुझे बताओ, अरे याद करो उस दिन ही तुम्हारे हाथों बच गए, बोलो बात क्या है। कहा मामा आपको नहीं मालूम, जिस समय उस दिन मैं सभा में टहल रहा था, उस द्रौपदी ने मुझसे कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं, और आपने नहीं देखा था कि भीम मुझको देख देख कर मुस्कुरा रहा था, वो यादें मुझे रात दिन सोने नहीं देती, मुझे चैन से जीने नहीं देती, बस इसीलिए मैं मरना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी मृत्यु आ जाए, ऐसे अपमान के जीवने से क्या फायदा। मामा शकुनी ने कहा बस भांजे इतनी सी बात है, इसके लिए आत्महत्या करना चाहते हो, अरे छोड़ो जिनमें कुछ पुरस्वार्थ होता है वो आगे बढ़कर के उपाय करते हैं, कर्म करते हैं, यदि तुम चाहते हो कि पांडव जो हैं उनका वैभव विनाश हो जाए, ये सारा वैभव तुम्हारे पास आ जाए तो चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पास तो ऐसे से वीर योद्धा हैं कृपाचार्य द्रोणाचार्य कर्ण सुखामा, अरे जिनके ऐसे ऐसे महारथी हैं सोमदत्त भीष्म, अरे ऐसे महान वीर हैं, उनके राजा होकर के और घबराते हो, कहो तो हम ऐसा दूसरा राजसूय यज्ञ करवा डाले जैसा पांडवों ने करवाया है। बोला हां ठीक है मामा, हम भी दूसरा राजसूय यज्ञ रचवाएंगे, हम भी ऐसे यज्ञ करेंगे, हम दिखाएंगे पांडवों को कि हम भी तुम्हारे समान वैभव रखते हैं। मामा शकुनी कहने लगे भांजे एक बात और सुन लो, युद्ध तो तुम करोगे ना, यज्ञ तो करोगे, लेकिन भूपाल युधिष्ठिर को भीम और अर्जुन को सहदेव को नकुल को जीतना कोई आसान बात नहीं है, अरे जिनके साथ में द्रौपद हैं धृष्टद्युम्न हैं और जिनके श्री कृष्णचंद्र बिहारी खुद रक्षक हैं, उनको जीतना कोई आसान नहीं है, और जब तक उनको जीतोगे नहीं तब तक तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए युद्ध की तो बात छोड़ दो, अरे युद्ध से बढ़कर भी एक चाल मुझको आती है जिससे कि पांडव कभी नहीं जीत पाएंगे। दुर्योधन ने कहा मामा आज तक तुमने हमको कोई ऐसी बात बताई नहीं, ऐसी कौन सी बात है जिससे आप इतने वैभवशाली पांडवों को मात दे सकते हैं। कहा सुनो भांजे मुझ में एक बहुत बड़ी कला है, मुझको एक बहुत बड़ी विद्या आती है। कहा कौन सी। कहा जुआ खेलने में चतुर,
मुझ सम और न कोय, शस्त्र युद्ध तज घूत का युद्ध करो जी जोए। है इसका शौक युधिष्ठिर को, लेकिन वे निरे अनाड़ी हैं, और हम त्रिभुवन में दुर्योधन इसके अति चतुर खिलाड़ी हैं। जिस समय हाथ में पासे ले हम दंगल बीच चलाते हैं, तो काने तीन पांच छह दस हरदम पौ बारह आते हैं। धर्म राज को बुलवाओ, राजी कर मीठी बातों में मेरे संग जुआ खिलवाओ। फिर लखना मेरा भी जौहर किस तरह की कला दिख लाता हूँ, संभर उनकी सब संपत्ति कर चंपत में तुम्हें दिलाता हूँ। कहा दुर्योधन, आज तक ये कोई नहीं जानता, मुझको एक बहुत बढ़िया तरकीब मालूम है जिसमें मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मुझे जुआ खेलना बड़े अच्छे ढंग से आता है, मेरे समान जुए में दुनिया में कोई नहीं है। जिस समय मेरे हाथ में पासे आते हैं तो जो मैं चाहता हूं वही पासे गिरते हैं। युधिष्ठिर पासे खेलने का शौकीन भी है, किसी प्रकार से उनको यहां बुलाकर जुआ खिलवा लिया जाए, फिर तुम देखना मेरी कला। अरे मिनटों में, क्षण मात्र में मैं पांडवों की सारी दौलत चंपत करके तुम्हारे हाथों में दे दूंगा, बस तुम्हारे मन की मानी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमको सबसे पहले तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र के पास जाना होगा और उनसे आज्ञा लेकर पांडवों को अपने यहां पर बुलवाना होगा। आज इतना कहकर दुर्योधन को साथ में लेकर और पहुंचे हैं धृतराष्ट्र जी के सामने मामा शकुनी। कहा, जब देखा धृतराष्ट्र ने अपने प्यारे पुत्र को तो कहने लगे सहला सहला करके कि बेटा एक बात बताओ, मैं देखता हूं कि दिन दिन तुम सूखते जाते हो, न जाने तुमको क्या बीमारी है, तुम्हारा चेहरा भी लोग कहते हैं कि पीला पड़ता जाता है, चिंता में भरे रहते हो, तुम हमारे ज्येष्ठ पुत्र हो, इसका कारण तो बताओ मामा। अरे बेटा आखिर ये तो बताओ तुम्हारे दिल में कौन सा दुख है, मैं जानना चाहता हूं तुम इतना परेशान क्यों रहते हो। दुर्योधन कहने लगा पिताजी सुनो, आज मैं आपको बताता हूं अपने दिल की बात। पांडवों की संपदा, पांडवों की दौलत, पांडवों का ये अतुल द्रव्य, पांडवों की दानवकृति, वो सुंदर सभा, उनकी संपत्ति, उनका मान सम्मान, ये मुझसे नहीं देखा जाता। हे पिता, देख देख करके मुझको चिंता होती है, मैं चिंता की आग में जलता जाता हूं। दुर्योधन के वचन सुन बोल उठे नरना, ठीक नहीं है गैर का सुख लख करना डा। देखो बेटा, दूसरे की दौलत को देखकर ईर्ष्या करना अच्छा नहीं होता, पर दुख देख जो सुखी होएं, पर सुख लख जो हर्षाते हैं, अगर सच पूछो तो वही मनुष्य जग में सज्जन कहलाते हैं। कुछ फिक्र नहीं वह भाई है, उत्तम है उसे मिले रहो, सुत फुट में नहीं भलाई है। देखो बेटा, जो पर दुख में दुखी होते हैं, दूसरों के सुखों में सुखी होते हैं, वही सज्जन कहलाते हैं। सच पूछो तो युधिष्ठिर तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें तो खुशी होना चाहिए, आपस की फूट अच्छी नहीं होती। गोस्वामी बाबा ने भी कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना,
जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अरे बेटा फूट में जो है ना वो दौलत चली जाती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बेटा हमारी समझ में नहीं आता है कि युधिष्ठिर की दौलत देखकर तुम दिन रात क्यों आपस में अपने दिल में परेशान रहते हो। युधिष्ठिर का तेरे मन में है सुत क्यों धन खटकता है। युधिष्ठिर का तेरे मन में है सुत क्यों धन खटकता है। कहे में आके औरों के क्यों घरवालों से लड़ता है। समझ कुरुकुल की बढ़ती उनकी बढ़ती में है दुर्योधन। अगर पांडव बहें तो समझो अपना वंश बढ़ रहा है। समझ कुरुकुल की बढ़ती उनकी बढ़ती में है दुर्योधन। नष्ट होने से उस कुल के नष्ट होने से उस कुल के ये कुरुकुल भी बिगड़ता है। युधिष्ठिर का तेरे मन में हे सुत क्यों धन खटकता है। मजा जो संगठन में है नहीं वह फूट में मिलता। जो मजा संगठन में है वह फूट में नहीं है। भला फिर था क्यों पांडु पुत्रों से झगड़ता है। युधिष्ठिर का तेरे मन में युधिष्ठिर का तेरे मन में हे सुत क्यों धन खटकता है। पिता जो आपने है मुझको मंजूर लेकिन है अपमान का मुझे दुख भरपूर। पिताजी आप जो कहते हैं ठीक है लेकिन जो मेरे सामने मेरा अपमान हुआ है उसको मैं कैसे भुला दूं। जिस समय मैं सभा देखने गया था भीम ने मेरी हंसी उड़ाई थी। कृष्णा उस द्रौपदी ने मुझको अंधे का बेटा कहा था। जल में थल में थल में जल जल में थल दिखला करके मुझको व्याकुल कर डाला था। मुझको जल में गिराकर टक्कर दिलवाकर अपना पुराना बैर निकाला था। उन अब शब्दों की वाणी को याद कर 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 पिता मेरी जान जाती है। मैं अपनी जान दे दूंगा मर जाऊंगा मगर जीवित नहीं बचूंगा। धिक्कार है ऐसे भाइयों को जो अपने एक भाई की हंसी उड़ा करके अपने को आनंदित करते हैं खुशी होते हैं। होवे ना बुराई दुनिया में सब कहे धर्म की बात उसे है ऐसी चाल गिनो मन मेरे पुओं की उत्तम घात उसे। मैं ऐसी चाल चलना चाहता हूं जिससे कि मेरे सारे दुखों का जंजाल समाप्त हो जाए। अपने बेटे का हाल देखकर कहने लगे अच्छा बेटा बताओ कौन सी चाल ऐसी है जिससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। मौका पाकर मामा शकुनी आगे बढ़ गए। कहने लगे महाराज शायद आपको नहीं मालूम अरे आपके बेटे ने क्रोध में आकर के आज जहर पीने की कोशिश की और अगर मैं वक्त पर ना पहुंच जाता तो दुर्योधन जहर पीकर मर जाता। इसलिए महाराज जल्द से जल्द कोई ऐसा उपाय करो वरना आपका बेटा आपके हाथों से चला जाएगा। मैं आपको योजना बताता हूं
वो आप योजना करें, पांडव अपनी मुट्ठी में हो जाएंगे। आप पांडवों को यहां पर बुलवाइए जुआ खेलने के लिए, और जब पांडव मेरे से जुआ करके खेलेंगे, मुझे जुआ खेलने में बड़ा निपुण आप समझिए, मैं पासे में उन सबका जो कुछ है वो सब ले डालूंगा। धृतराष्ट्र कुछ देर तक सोचते रहे, उसके बाद कहने लगे, सुनो शकुनी, जब तक मैं विदुर जी से सलाह नहीं ले लूंगा, मैं निराधार कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि सुनिए पिताजी, विदुर कभी भी आपको अच्छी राय नहीं बताएंगे, झूठी सच्ची बातें कहकर के वो आपका हृदय डिगावेंगे, पर याद रहे, अगर मेरे मन के माफी काम नहीं हुआ तो आप गिन लेना कि दुर्योधन में या आपके बेटे दुर्योधन का दुनिया में नाम ही नहीं रहेगा, स्वयं मर जाएगा। है विदुर तुम्हारा शुभ चिंतक, मैं सत्यानाश कराता हूं, तुम रहो सुखी उस विदुर सहित, बस मैं तो जान गमाता हूं। आनंदित हो मेरे शत्रु, रख चिता पे चिता जलाना तुम, मुझ पापी के मर जाने पर आनंद से बंसी बजाना तुम। आज जब ऐसा कहा, पिता ने कहा, नहीं बेटा नहीं, ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी माफी काम करूंगा। फौरन ही विदुर को बुलाया, बुलवाकर विदुर को कहा, सुनो तुम जाओ पांडवों के पास और उनको बुला करके यहां महल में जुआ खेलने का निमंत्रण दे आओ। विदुर सन्नाटे में आ गए, कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप ये कैसी आज्ञा दे रहे हैं? ये जुए का खेल कोई अच्छा खेल नहीं है, ये कुकर्मो जड़ है जो सर्वनाश करा देता है। ये जुआ है मूल कुकर्मों की, ये सर्वनाश करवाता है। धनवान धरणी यहां तक स्वधर्म सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। कहीं यहां न चंडी चेत उठे, इस भय से फटती छाती है। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? जुआ जो है ना, ये कुकर्मों की जड़ है, धनवान से धनवान व्यक्ति इसमें फंसकर अपना सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं, झगड़ा आपस में होता है, इज्जत चली जाती है। लेकिन आज जब बार बार आज्ञा मिली महाराज धृतराष्ट्र से विदुर जी को, तो बेचारे मजबूर होकर विदुर पांडवों के पास पहुंचे और उनको जाकर निवेदन किया कि आपको जो है बुलवाया गया है महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में। इधर देखिए, एक बड़ा सुंदर भवन बनाया गया था जहां पर जुआ खेलने की तैयारी की गई थी, जहां पर आज योजना बनाई गई है दुर्योधन की। कौन सी योजना? लिया युक्ति से काम उस समय, रोका गुस्से भारी को, सोचा पासे में फांसूंगा धर्मराज व्रतधारी को। जांग पे अपनी बिठलाऊंगा उसे अभिमानी नारी को, दुशासन से नंगी करवाऊंगा देखो द्रुपद दुलारी को। सुचि भावज की लाज लूटने वहां देवर बेखीर चला, दुष्ट दुशासन उस अबला का जब खींचने चीर चला। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, आज सारे पांडव द्रौपदी समेत धर्मराज के यहां पर आ गए। सवेरा जब हुआ तो सभा के बीच में सभी लोग एकत्रित हुए जहां पर जुआ खेलने का विचार बनाया गया था। सभी लोग जब दरबार में बैठ गए तो सामने मामा सम्मुख शकुनी आए, कहने लगे, आओ युधिष्ठिर महाराज, इस चौरस पासों से कुछ अपना मन बहलावें, आनंद बढ़े। तो आनंद बढ़ने के लिए कुछ पासे भी फेंकता जाऊं
और कुछ थोड़ा थोड़ा दांव भी रखते जाओ, जिससे आनंद भी बढ़ता जाए। युधिष्ठिर ने कहा, देखो मामा, जुआ जो है ना, ये नाश की जड़ है। जब नाश कराना हो तो जुए को खेलना चाहिए। ये जन समाज और धर्म के विरुद्ध है, प्रतिकूल है। ये जहां होता है वहां फूट पैदा होती है, सुमत चली जाती है, उत्तम बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, अच्छे अच्छे घर जो है ना वो तबाह हो गए इसमें। ये वीरों का कर्तव्य नहीं है। वीरों का कर्तव्य है रण में जाकर संग्राम करें या कोई उत्तम खेल खेलें। ये जुआ जो है ये प्रशंसा योग्य नहीं है, इसमें सरासर अपमान होता है। यदि कोई दूसरा खेल खेलना हो तो मैं अक्सर तैयार हूं, ये खेल मैं नहीं खेलूंगा। दुर्योधन ने देखा कि ये तो मालूम पड़ता है मेरी योजना बदली जा रही है। दुर्योधन निराश होकर कहने लगा, अरे राजन, जब हाथी दांत के पासों से तुम इतना घबराते हो, केवल घंटे दो घंटे खेलने के लिए मन में दहशत खा रहे हो, अरे तो युद्ध के मैदान में क्या वीरता दिखाओगे, लोहे के शस्त्रों को कैसे चलाओगे? जाओ जाओ, मैं जान गया कि तुम कायर हो, कायर लौट जाओ, लानत है तुम पर। कायर कम हिम्मत तुम होगे, क्यों वृथा ही मुझे डराते हो, आओ मैं तुम्हारे संग खेलूं, बोलो क्या दाम लगाते हो। सब जगह भाग्य फलदायक है, देखूं क्या रंग दिखाता है, कुछ लक्ष्मी प्राप्त कराता है या निर्धन मुझे बनाता है। अरे का कार करो, आ जाओ, हम तुमसे खेल खेलने के लिए तैयार हैं। देखें आज किस्मत क्या करती है, लक्ष्मी दिलवाती है या मुझको निर्धन बनवाती है। दुर्योधन ने कहा, एक बात भैया सुन लो, खेल तो मैं खेलूंगा, मुझे पासे फेंकने नहीं आते, दांव मैं लगाऊंगा और मेरी तरफ से पासे जो हैं वो मामा शकुनी फेंकेंगे, लाओ दांव लगाओ। इतना कहकर दुर्योधन ने कुछ दांव पर रख दिया। लेकिन भाई, इन पासों को शकुनी से मैं फेंकवाऊंगा। यूं कहकर कुछ हीरे पन्ने एक दांव पे उसने लगा दिए। इस ओर कुंती के सुत ने भी कुछ द्रव्य दांव पर जमा दिए। इधर से भी दांव लगा, उधर से भी दांव लगा। आज हुआ क्या, महाराज युधिष्ठिर ने सीधे लेकर पांसे डाल दिए, अच्छे स्वभाव से, सीधे स्वभाव से। लेकिन मामा शकुनी ने चालाकी से उन पासों को उछाला और फौरन क्या देखा, आए थे तीन काने नृप के, शकुनी के पौ बारह आए, लकहार पांडु के नंदन की, दुर्योधन मन में मुस्काए। हार हो गई महाराज युधिष्ठिर की। दुर्योधन मन ही मन में मुस्कुराता है, गुस्से में बेजार होकर महाराज युधिष्ठिर दूसरा दांव लगाते हैं। लेकिन उस कपटी शकुनी की चाल को समझ नहीं पाए। ज्यों ज्यों दांव लगाते जाते हैं, दुर्योधन जीतता जाता है। महाराज युधिष्ठिर क्रोध में भराते हैं और वो अपनी कपट चाल फैलाता जाता है। कहा कर्ण ने, पांडुसुत क्यों होते बेताब, शांति पूर्वक खेलिए, जीतेंगे अब आप। अरे कहा, बस एक ही दांव, दो चार दांव में महाराज युधिष्ठिर घबरा गए। कर्ण बोला, आप चिंता मत करना, फिक्र मत करना राजन, शर्माना नहीं इस दंगल में, चाहे जितना धन चाहिए मुझसे ले लेना, मैं तुम्हारे मंगल में शामिल हूं। ये ताना सुनकर महाराज युधिष्ठिर को और क्रोध आ गया। अब तो सभा में 5, 7, 9, 2, 11, 12, 18 आज इस प्रकार से पांसे पड़ने लगे। जो भी दौलत महाराज युधिष्ठिर रखते हैं दांव पर, वो एक एक करके शकुनी जीतता जाता है। धीरे धीरे भाग्य सो गया और सब दौलत छिनती जाती है। क्या क्या चला गया भैया, सब कुछ बेचारे पांडव हारने लगे। खेल हुआ गजबाज रतन के, हार जुए में हार गए, हीरा मोती और मणियों के, हार जुए में हार गए।
उस गांडी वो सभी हथियार दांव में हार गए। हीरा मोती और मणियों के हार जुए में हार गए। एक एक करके अपने गांडी धनुष को हारते गए, सारी दौलत हारते गए, मणियों के हार हार गए, बड़े बड़े कोष और खजाने हार गए, रैयत हार गए। यहां तक कि वो अपनी सुंदर मैदानों की बनाई हुई सभा आज वो भी दांव पर लगा बैठे। ये सहज स्वभाव से खेलते थे, सपनी अपनी चाल को दिखा दिखाकर आज सब कुछ जीता जाता है। ये देख देख कर विदुर को बार बार क्रोध आता है। जब विदुर ये ना सह सके, खड़े हो गए, कहने लगे महाराज धृतराष्ट्र इस खेल को बंद कर दो, बार बार लालत है, सौ बार धिक्कार है इस खेल पर कि ऐसा क्यों बुरा हुक्म देकर निज सत्या नाश कराते हो। इस कपट चाल से धन हर कर हरसाते हो, पुलकाते हो। है अब तक शांत सभी भाई और गुस्सा आने ही वाला है, जिसमें पढ़कर ये कौरव कुल दुनिया से जाने वाला है। वो समय अब पहुंचा है राजन, भारत की लाज बचा लो तुम। ऐसे पापी लड़के को झट इस पुर से बाहर निकालो तुम। अरे महाराज धृतराष्ट्र क्या कर रहे हो, खेल बंद करवा दो, वरना ये दुर्योधन सत्यानाश करवा देगा अपने वंश का। जहां ये पांचों भाई को क्रोध आया, भारत देश का विनाश हो जाएगा। आपको मालूम नहीं जिस समय दुर्योधन पैदा हुआ था ना, कितना घोर अंधकार छा गया था, कितना बड़ा तूफान आया था, ऐसे ऐसे अशगुन हुए थे। आज उस दुर्योधन को महलों से बाहर निकाल लो, वरना राज्य का हित होगा, प्रजा का विनाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र की बात को सुनकर के वो तो चुप हो गए, विदुर जी की बात को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र। लेकिन गुस्से में दुर्योधन कहता है, नीच चुप हो जा, मैं खूब जानता हूं कि तू पांडवों का हितकारी है, रोटी तो हमारी खाता है लेकिन हमारा अहित सोचता है। आज जब ऐसा कहा, विदुर का कहना कोई भी ना कर सका किसी की बुद्धि पर भी, जो है आज विदुर की बात नहीं आई। जब खराब समय आता है तो अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। कहा विदुर ने मौन हो दुर्बुद्धि दुख मूल, कपट चाल से जीत कर फूल रहा जीव फूल। अरे कपटी, आज कपट में फंस करके और फूल रहा है मन में, कहा मान ले इस जुए के खेल को बंद कर दे, वरना तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। लेकिन कि सच है जब बुरी घड़ी आती बुद्धि उल्टी हो जाती है। उस समय ऊंच सी छा भी मिले पर असर नहीं दिखलाती है। भावी वश सब खामोश रहे, उपदेश विदुर का गया प्रथा, तब हो हताश ये बैठ गए, सोचा पुल का छह हुआ यथा। आज विदुर ने देखा कि मेरे समझाने का किसी पर कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, मालूम पड़ता है कि अब कुल का नाश होगा ही। अब क्या जुए का खेल उधर चल रहा है, महाराज युधिष्ठिर जुए के खेल में इतना मग्न है कि वह किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पासे पड़ते जाते हैं, महाराज युधिष्ठिर दांव लगाते जाते हैं। जब सब कुछ हार गए, अंत में कुछ नहीं रह गया, तो अपने भाइयों के सारे गहने लेकर वो भी दांव पर लगा दिया। आज वो भी हार बैठे। पांसे फेंके शकुनी ने छल से उन्हें संभाल,
कहा जीत मेरी हुई, धरो दूसरा माल। अब तो कुछ नहीं रह गया था, क्या रखा जाए। वारे समय, वारे को बुद्धि, समय के अंदर फंसकर महाराज युधिष्ठिर अब क्या दाव लगाने जा रहे हैं भैया। कहते सुनो शकुनी कि बोले सुनती कुत कमल नेत्र सुकुमार अतुर शोभा वाले। तलवार युद्ध में सिद्ध हस्त तरुणांग सब कंधे वाले। ऐसे जो नकुल है उनका हे शकुन दाव में लगाता हूँ, हे शकुन में दाव लगाता हूँ। देखूं पासे क्या पढ़ते हैं, अपनी किस्मत आजमाता हूँ। या सुन शकुनी ने पासे ले चालाकी से झट डाल दिए, चालाकी से झट डाल दिए। बोला मैं जीता और तुमने निज भ्रात नकुल को हार दिए। महाराज युधिष्ठिर अपने भैया नकुल को भी हार गए, दांव पर लगा दिया और भाई नकुल को हार गए। अंत में जब दूसरा नंबर आया, अच्छाव के सहदेव भ्रात विद्वान चतुर कोविद ज्ञानी, माद्री के सुत चौथे पांडव रणनीत विशारद गुण खानी। बाजी पर रखने के अयोग्य तो भी मैं दांव पर रखता हूँ, और लेकर मैं पासे फेंक शीघ्र अपनी तकदीर पर रखता हूँ। शकुनी ने पासे चले गए दुष्टिरहार, अति उत्तेजित होकर फिर बोले ललकार। अगली बार पासे फेंके गए, सहदेव को भी हार गए और क्रोध में आए। रे मूढ़, तू समझता है कि मैं डर जाऊंगा? अरे अभी नहीं डरने वाला हूं, फिर देख मैं दांव पर क्या लगाता हूं। अब की दांव पर क्या लगाया? हे मूढ़, अभी धनवान हूं मैं, ये मत समझो डर जाऊंगा। जब यहाँ तक नौबत बीत चुकी तो अब फिर क्या दह लाऊंगा। ले सुन गांडीव धनुष धारी, ले सुन गांडीव धनुष धारी, जो रण में अजय कहते हैं। और विशेषता क्या है? संग्राम में नर की गिनती क्या निश्चर तक भी फर्राते हैं। पांडव का नौका रूप है जो जिसने जीता है सारा उत्तर। वे पार्थ में दांव पे धरता हूँ, बस फेंक दे पासे भूमि पर। अरे दुर्योधन गांडी धनुष को धारण करने वाले, संसार में अजय होने वाले, जिनके आगे बड़े बड़े देवता तो देवता, दैत्य बड़े बड़े वीर तक डरते हैं, कांपते हैं। मैं ऐसी ताकत को रखने वाले गांडी धनुष को धारण करने वाले अर्जुन को दांव पर लगा रहा हूं। समय बिगड़ता जिस समय बुद्धि होए विपरीत, अशुभ बात शुभ सी लगे रीत होए अनरीत। कुंती नंदन को मालूम था शकुनी धोखेबाजी करता, चलता है पासे छल से वो बिल्कुल अधर्म से धन हरता, फिर भी हर बार हारते जाते। सहदेव को हार गए, नकुल को हार गए, और आज उस दांव के ऊपर अपने प्यारे भाई अर्जुन को भी हार गए। अब अंत में एक दांव पर किसे लगा रहे? बोला शकुनी फिर भी, अरे हुई तुम्हारी हार,
वीर भीम को धरो भैया बाजी पर इस बार। आज होश गवां बैठे, शकुनी की कहना, शकुनी की बात पर अमल कर लिया। था होश नहीं कुंती सुत को, भावी बस ज्ञान भुलाए दिया। उस नीचे शकुनी के कहने में आ, भीम को दांव लगाए दिया। पासों को फेंका शकुनी ने, खो दिया युधिष्ठिर ने भाई। जिसका खो जाना निश्चय था, हुआ बात है अब सम्मुख आई। जिस बात का डर था, आज ऐसे 10,000 ताकत को रखने वाले अपने भाई भीम को भी दांव पर लगा बैठे। यहां तक कि अपने को भी दांव पर हार गए कि मैं भी अपने को दांव पर लगाता हूं, और अगले पासे में महाराज युधिष्ठिर खुद को हार बैठे। रोने लगे, अब क्या थी, कहानी बदल गई। सब कुछ जब हार गए, दौलत हार गए, राजमहल हार गए, पांचों भाइयों को अपने समेत हार गए, रोने लगे। क्या मैं अब की बार भी हारा शकुनी वीर, बस अब खेल खत्म करो, पलट गई तकदीर। क्या खबर थी है प्रभो, ऐसा समय भी आएगा। क्या खबर थी है प्रभो, ऐसा समय भी आएगा। जिसके बस हो भाग्य मेरा, जिसके बस हो भाग्य मेरा, एकदम सो जाएगा। द्रव्य चंचल है मुझे, इसकी सुधी बिल्कुल न थी। चार दिन होकर उजेला, चार दिन होकर उजेला, बाद में तमो छाएगा। क्या खबर थी है प्रभु, ऐसा समय भी आएगा। कुल का दास पर भ्राताओ भी हुआ, हा मुझसे प्रभु नास। हे भाइयों,
मैं तो अपने कर्म से कौरव कुल का दास बन गया हूँ, लेकिन भाइयों तुम मेरे कारण ही बने हो। कोसो भाई मुझको कोसो, मैंने ही दास बनाया है, मैं ही हूँ सब अनर्थ की जड़, मैंने ही नाश कराया है। तोड़ो इन हाथों को तोड़ो, पासा जो फेंकते थके नहीं, और फोड़ो इन नेत्रों को ही जो अधर्म रथ से हटे नहीं। आज जब ऐसे रो रहे हैं, आज दुर्योधन कहने लगा, महाराज युधिष्ठिर आप खामखा में परेशान हो रहे हैं। अरे अभी तो आपके पास में वो दौलत है जिसके लिए आप अपना सब कुछ वापस ले सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भैया क्यों हमें लाचार करते हो, क्यों परेशान करते हो, हम तो अपना राजपाट धन भाई सबको हार चुके हैं, मेरे पास क्या रह गया है, कौन सी ऐसी वस्तु रह गई है जिसको मैं अब दांव पर लगाऊंगा। आज कहने लगे दुर्योधन मामा शकुनी के साथ, महाराज युधिष्ठिर अभी आप अपने को कंगाल ना समझें, अभी आपके पास बहुत बड़ा जेवर है, धन दो राजन अब तो धर दो, और निज दांव पे उस भारी धन को, यदि जीते तो मिल जाएगा, विकल करो ना अब मन को। अरे अभी तो आपके पास में द्रौपदी बकाया है, उसको दांव पर लगा दो, यदि द्रौपदी को दांव पर जीत गए आप तो जितना कुछ हारे हो सब मिल जाएगा, वरना जहां इतना गया है कुछ और चला जाएगा। महाराज ने कहा, ठीक है भैया। कहा भूप ने, ठीक है, नहीं मुझे इनकार, द्रुपद सुता को दांव पर रखता हूं इस बार, इस बार मैं द्रौपदी को दांव पर लगा रहा हूं। सुनते ही वहां पर ऐसे वचनों को सुनकर भैया वहां पर जितने बूढ़े बुजुर्ग थे ना, सब अपने हाथों को मलमल कर पछताने लगे। कुंती नंदन को बार बार धिक्कार देने लगे। सारी सभा में आज सन्नाटा छा गया। राजा लोग शोर मचाते थे। भीष्म पितामह के शरीर पर पसीना आ गया। विद्वान विदुर बेहोश हो गए। भीम और अर्जुन पत्थर की मूरत बने खड़े हुए। कहा स्यो धन्य विदुर, जाओ छठ रनवास। लगाया दांव पर जिस समय द्रौपदी को, आज कपटी शकुनी ने वही किया जो उसकी योजना थी। क्या हुआ भैया? गदा धनुष गांडीव सभी हति यार दांव में हार गए। पतिव्रता सुंदर नारी सुख मारी को भी हार गए। देव धनुज दानव दल दहले दसों दिशा दिग्गज डोले। सहमे सिंह चकोर मोर पंछी रह गए चोंच खोले। भीष्म पितामह अश्वत्थामा कृप गुरु द्रोण कुछ ना बोले। भीम काटते होंठ क्रोध से भवक रहे उर्मे सोले। धीर चला दुष्ट दुशासन उस अबला का जब खींचने चीर चला। जिस समय आज अपनी जिंदगी की आखिरी पूंजी द्रौपदी को भी दांव पर हार बैठे, खुश होकर के दुर्योधन कहता है, जाओ विदुर फौरन रणवास में जाओ, लाओ जाकर के उस द्रौपदी को यहां पर हमारे पास मिलाओ, कहना जाकर के उससे कि तुम्हारी किस्मत मिट्टी की मूरत बन गई है, आपको महाराज दुर्योधन ने सभा में बुलवाया है, चल के यहां पर झाड़ू लगाओ, और यह भी समझा देना उसको कि आज से तू मेरी दासी हो गई है, यदि मेरा हुक्म नहीं मानेगी तो तेरी सत्यानाशी हो जाएगी। विदुर ने कहा, रे मूढ़, अरे दुष्ट मौन हो जा, क्यों सिंहों को आज क्रोधित अवस्था में फैलाता है, जल की मछली बन मगरों से लड़ बिना मौत क्यों मरता है, तू नहीं जानता मंद बुद्धि इन बातों का फल क्या होगा, यदि ज्वाला चेत उठी तो फिर करना धरना निष्फल होगा। याद रख दुर्योधन,
अगर तूने एक अबला को सताया तो तू कभी भी चैन से जी नहीं पाएगा। आज बिदुर की बात को सुनकर बार बार दुर्योधन बिदुर को धिक्कारते हैं और क्रोध में आकर के एक सूत पुत्र को बुलवाया, उससे सारा हाल कहा कि जाओ महलों में जाओ और जल्दी द्रौपदी को लेकर के यहां पर सभा के अंदर आओ और पांडवों के दिल से बिल्कुल मत दहलाना। चला गया ये हुक्म पास सूत पुत्र दुख पाए, कृष्णा से कहने लगा रोनी सकल बनाए। दूत पहुंचा, द्रौपदी से कहता है हे महारानी जी, मैं आपके पास में एक विनय करने आया हूं, कलेजे पर पत्थर रखकर आपको एक संदेशा सुनाने आया हूं, मुझको क्षमा करना, मैं आज्ञा पालन करने के लिए मजबूर हूं, आपसे कहने के लिए क्या आया हूं, जो मैं कहने जाता हूं उसको आप अपने मन में धैर्य रख करके सुनना। महाराज कुंती सुत जो हैं उन्होंने उत्तेजित होकर के आपको जुए के दांव पर लगा दिया है, भाइयों के सहित खुद अपने को हार गए हैं और तुमको भी बिसार दिया है। कुंती सुत ने उत्तेजित हो सब धन जुए में हार दिया। बंधुओं सहित खुद वो हारा, तुमको भी फेर बिसार दिया। कुछ जीत गया वो सभा में तुम्हें बुलाता है, वे बातें कहते हुए देवी मेरा तो सिर चकुराता है। कलेजे पर पत्थर रखकर आपको संदेशा सुनाता हूं कि कुंती सुत महाराज युधिष्ठिर आपको भाइयों के समेत हार चुके और आपको महाराज दुर्योधन ने दरबार में बुलवाया। सुनकर कृष्णा के दिल में बड़ा दुख हुआ, द्रौपदी बड़ा ही दुखी हुई। कहना भैया जाओ सभा में जाकर ये कहना, एक बात पूछना मेरे स्वामी से और पूछकर फौरन ही उत्तर लाना। हाथ जोड़कर पूछना कि स्वामी पहले अपने को हारे हैं या मुझे हार कर तब अपने को हारे हैं। सूत पुत्र हुक्म पाकर के सभा के बीच में पहुंचा और पांडव के बीच में देखा क्या, जो आंखें नीचे बैठे हैं, जाकर प्रश्न दोहराता है कि महाराज दुर्योधन द्रौपदी ने यह पूछा है कि स्वामी पहले मुझे हारे हैं या अपने को हार कर तब मुझे हारे हैं। एक बार, दो बार, चार बार, अरे कई बार उसने ये प्रश्न दोहराया लेकिन सभा के मध्य में कोई उत्तर नहीं मिला। क्रोध में आकर के दुर्योधन उस सूत पुत्र से क्या कहता है, ये देख सुयोधन उबल उठा, बोला नालायक जल्दी जा, कहना जो कुछ कहना चाहती हो आकर यहां सभा में सुना, जाओ जल्दी जाओ कृष्णा से कहना कि जो कुछ कहना है वो सभा में आकर के सुनाए। आज दूध दोबारा पहुंचा कि चलिए देवी महाराज आपको बुला रहे हैं सभा में। कृष्णा आंखों में आंसू भर करके कहती है कि जाओ भैया कह देना कि मैं इस समय रजस्वला हूं, इसलिए महाराज दुर्योधन मुझको क्षमा कर दें क्योंकि इस समय मैं बड़ी दुखित हूं, अबला हूं, मेरा भाग्य सो गया है। जब स्वामियों की इज्जत नहीं रही तो मेरी इज्जत कहां है, जब वो सेवक है तो मैं भी उनकी सेवकाई करने के लिए तैयार हूं। आज जब ये खबर आकर के सुनाई, दुर्योधन कहता है अरे दुष्ट मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मैं ऐसी बेढंगी बातों को नहीं जानना चाहता, जा उसके बालों को पकड़ करके सभा के मध्य में नंगी खसटता हुआ लिया, पत्थर की तरह खड़ा हुआ है, रे मूर्ख क्या करता है। भूप युधिष्ठिर भीमार्जुन नकुल सहदेव अरे इन लोगों से क्या तू डर रहा है, सभा के मध्य जा रहे कायर भय क्यों खाता है, द्रौपदी को खींचता हुआ यहां लिया। लेकिन दूत कहता है कि महाराज मारो या छोड़ो मुझे दुर्योधन सरकार, नीच काम के वास्ते नहीं हूं मैं तैयार। आज ये सुनकर के सारी सभा खुशी में फूली नहीं समाई कि एक छोटा सा दूत
और आज इतनी धर्म की बात करता है, लेकिन उधर दुर्योधन क्रोध में कहता है कि जाओ दुशासन, उस द्रौपदी को भरी सभा में घसीटते हुए लेकर के चले आओ। महाराज दुर्योधन की बात को सुनकर के दुशासन आज जिस समय द्रौपदी के कक्ष में पहुंचता है, दासी दासी जल्द चल्ला पहुंचे आ फरमान, वहीं बुलाते हैं तुझे दुर्योधन गुणखान। अब क्या सोचे है खड़ी खड़ी, तेरा पति पूरा ज्वारी है। वो हार गया है जुए में, अब दासी हुई हमारी है। उल्टा जल्दी से सभा में चल, वरना अब हाथ लगाऊंगा तेरे घुंघराले बाल पकड़, खींचता हुआ ले जाऊंगा। आज दुशासन की जब ऐसी बातें सुनी तो बेचारी वो द्रौपदी भागी वहां से, लेकिन उस पापी कुत्ते ने झट दौड़ करके बीच में पकड़ लिया, काले चमकीले बालों को दोनों हाथों से जकड़ लिया। वे बाल जो यज्ञ में ब्राह्मणों ने मंत्रों से पढ़ करके जल से सींचे थे, आज वही धृतराष्ट्र तने दुशासन निडर होकर के खींचता हुआ लिए जा रहा है। धर धीर द्रौपदी कहने लगी, देवर मैं मासिक धर्म से हूं, मत ले जा मुझे अभी वहां, इस योग्य नहीं हूं, शर्म से हूं। पापी ने इस बात पर दिया न जब कुछ ध्यान, तब कसना कहने लगी अपनी भगुटी तान। रे नरक के कीड़े पापात्मा, अरे क्यों अपनी मृत्यु बुलाता है, क्यों एक सिंघनी को छेड़ करके तू सिंहों को जगाता है। याद रख, इंद्रादि भी अगर आ जाए ना तो तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा तुझसे कि मैं मासिक धर्म से हूं, लेकिन फिर भी तू मुझे ले जाना चाहता है। पर्दे वाली अबलाओं को दुष्टात्मा बल दिखलाता है, लेकिन दुशासन ने कहा आज तू चाहे क्यों ना वस्त्रविहीन हो जाए, लेकिन मैं तुझको छोड़ नहीं सकता। इतना कह करके वो पापी करता क्या है, यूं कहे घसीटना शुरू किया, निर्दयी दया नहीं लाता है। सुकुमार नवल तन कृष्णा का, खा रगड़े छिलता जाता है। हैरान हुई लाचार हुई, खुल गए बाल सारे सर के, अति दीन हुई छवि हीन हुई, आंखों से शोक आंसू धर के। बार बार अपने हाथों को छुड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन सभा के मध्य शरीर को घसीटता हुआ, छिलने की परवाह न करता हुआ, सभा के मध्य में जिस समय द्रौपदी को ले जाता है, भाइयों जिस समय सभा भवन में आज घसीटती हुई द्रौपदी पहुंचाई गई, आज कोई रोता है, कोई बेहोश हो जाता है। कई पापात्मा तो सभा में ऐसे बैठे थे जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, कुछ आपस में आंखें में इशारा करके आंखें मटकाते थे, खुशियां मनाते थे। और पांडवों की आज जो हालत है, आज मुझ में कहने की क्षमता नहीं। वो पांडव, अरे जिनके आगे बड़े बड़े देवता घबराते थे, जिनकी तलवारों ने लाखों वर्ष म्यान में रहने के पश्चात भी जंग लगना न सीखा हो, जिनके अस्त्रों की धारें न उल्टी हो, जिन्होंने युद्ध भूमि में न जाने कितने लोगों को प्रदलित किया हो, आज वही अपनी आंखों के सामने अपनी ही नारी की लाज लुटते हुए देख रहे थे। कभी जंग तलवार न खाई, म्यान के अंदर पड़े पड़े अस्त्र शस्त्र की धारें उल्टी, जिनकी रण में
लड़े लड़े युद्ध भूमि में किए पद दलित जिन्होंने योद्धा बड़े बड़े वही लाज अब लाठी लुटते देख रहे थे खड़े खड़े फड़क रहे भुज दंड विवश तलवार न धनुष से तीर चला दुष्ट दुशासन उस अबला का जब खींचने चीर चला द्रौपदी ने जिस वक्त देखा कि मेरे पांचों पति सर को झुकाए हुए बैठे हैं आज इस सभा के मध्य में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं द्रौपदी चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि हे भीष्म पितामह हे द्रोणाचार्य अरे हे क्षत्रिय आज तुम्हें क्या हो गया जो सभा के मध्य में आज एक अबला की लाज जा रही है और तुम लोग बैठे बैठे देख रहे हो हे वीर गदाधर कुंती सुत कहा वो वीरता गवाई है अरे स्वामी क्या तक्षक सूंघ गया तुमको क्या गदा खिजा में आई है कब को रख छोड़ा है हाँ नेत्र खोल कर देखो तो पापी ने हृदय को तोड़ा है माद्री पुत्रे बैठे हो तुम माद्री पुत्रो बैठे हो तुम लेकिन कहाँ ध्यान तुम्हारा है क्या तलवारे खा गई जंग बस डूबा जहाज हमारा है अच्छा तुम साथ हो साथ रहो पर इतना कहो सभा वालों एक प्रश्न जो मैंने पूछा उसका उत्तर दे डालो मुझको पहले हारा है या पहले खुद को हार फेर जुए में मुझे बिसारा है लेकिन आज द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर सभा में कोई नहीं दे रहा है आज क्रोध में आकर दुर्योधन कहता है अरे दुशासन देर किस बात की हो रही है जल्दी से इस दासी का शरीर जो है वो नग्न कर डालो कहा सुयोधन ने अभी अरे दूंगा चीर हटाए देखूंगा कैसे प्रभु इसकी लाज बचाए जिस समय दुर्योधन ने कहा कि दुशासन क्या देख रहा है अरे देर किस बात की है सभा के मध्य इस द्रौपदी को नग्न कर दे नंगी कर दे द्रौपदी ने कहा अरे दुष्टो अरे कायरो तुम लाख बार भी मुझको नग्न करने का प्रयास करो लेकिन जब तक मेरे कृष्णचंद्र गिरधारी भैया मेरी रक्षा करने वाले हैं तब तक मुझे कोई नग्न नहीं कर सकता दुर्योधन ने कहा दुशासन क्या देखता है खींच ले इसका चीर देखता हूं कि इसका बिहारी इसका मोहन इसकी लाज बचाने के लिए कैसे आता है सुनते ही वचन कांप उठे आंखें नीची खामोश हुए छा गई मुर्दनी चेहरों पर बेचैन और बेहोश हुए दुशासन वो दुष्ट वो पापी वो निर्दयी आज सभा के मध्य में द्रौपदी की साड़ी खींचना प्रारंभ कर देता है भाइयों विचार करो आज जब हमारे और आपके आगे यदि कोई एक हमारे आपके बच्चे को अपशब्द भी बोलता है तो हम और आप जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं ये कैसी धर्म दशा थी कि जिस पत्नी के पांच पति हों और ऐसे वीर वीर धनुधर भीम जिनमें 10,000 हाथियों की ताकत अर्जुन जिनका गांडीव धनुष ऐसा है कि जो संसार को हिला देने वाला नकुल और सहदेव की तलवारें चमकने वाली
ऐसे पांच महान वीर हों और उनकी आंखों के आगे आज खुद उनकी पत्नी की लाश जा रही हो और वो बैठे बैठे देख रहे हो। आज जिस समय द्रौपदी ने देखा कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है तो अपने भैया को पुकारने लगी, क्या अश्रुबहाती कहे द्रौपदी बात कन्हैया कोई नहीं, तेग बन्हैया सब कोई दिखे लाज बचैया कोई नहीं। अश्रुबहाती कहे द्रौपदी बात कन्हैया कोई नहीं, मेरी नैया बीच भंवर में पार करैया कोई नहीं। मेरी नैया बीच भंवर में पार करैया कोई नहीं, घेरे गैया खड़े कसैया तुम बिन भैया कोई नहीं। अरे मेरे भाई आज आकर मेरी लाज बचाओ, आज इस कौरों की सभा के मध्य में तुम्हारी बहन की लाज क्या तुम्हारे होते हुए लुट जाएगी? गो मेरी लाज तो बचाओ गिरधारी, बस तुमसे बिने मेरी आज है, दुष्ट साड़ी को तन से है खींचता आज जाती सभा में मेरी लाज है। मेरी लाज है दुष्ट साड़ी को तन से है खींचता आज जाती सभा में मेरी लाज है। पांचों पति मेरे राजपाटी और गांव में मुझको हार गए, पांचों पति मेरे राजपाटी और गांव में मुझको हार गए, बैठे हैं नीची नजर किए सब देखो सभी लाचार हुए। अब तेरा सहारा ब्रजराज है तेरे हाथों में अब मेरी लाज है, दुष्ट साड़ी को तन से है खींचता आज जाती सभा में मेरी लाज है। आके बचा लो मुझको मुरारी नैया भंवर में आन फंसी, आके बचा लो मुझको मुरारी नैया भंवर में आन फंसी। अब तेरा सहारा ब्रजराज है तेरे हाथों में अब मेरी लाज है, दुष्ट साड़ी को तन से है खींचता आज जाती सभा में मेरी लाज है। आज द्रौपदी सभा के मध्य चिल्ला चिल्ला कर अपने भैया को पुकार रही है, आन फंसी मझधार में मेरी नौका नाथ बंग आप धारिये लगा कृपा का हाथ। हे भैया क्या आप देख नहीं रहे हैं कि सभा के मध्य आपकी बहन की लाश जा रही है, देर क्यों करते हो? हाँ नाथ दुष्ट कुछ ही पल में अब नंगी करने वाला है, हाँ
देखो तो सही, पत्थर भी अश्रु गिराते हैं। छिप गए कहाँ जल्दी आओ, क्यों मुझे आप तड़फाते हैं। मनोरंजन हे दीन दयाल कृपा सिंधु, दौड़ो जल्दी खल दल गंजन। आज द्रौपदी सभा के मध्य पछाड़े खा खा के गिरती है, दुशासन सिर खींचता जाता है और द्रौपदी बार बार अपने भैया को पुकारती जाती है। आज जब द्रौपदी इस प्रकार से भैया अपने भैया को पुकारती है तो आज प्रभु अपनी बहना की आवाज को सुनकर कब तक ठहर सकते थे। नंगे पैर भाग पड़े, दुशासन चीर को खींचते खींचते थक करके हार गया, लेकिन आज जरा सा भी चीर भगवान की बहन द्रौपदी के शरीर से हटा नहीं पाया। करुणा वस्त्रालय काउर कंस दर्शन पर बस प्रेम पगा, दुशासन ने हाथ लगाया तक्षण बढ़ने जीर लगा। नीले पीले लाल हरे वस्त्रों का लगने घेर लगा, अंबर से अंबर निकलावा अंबर का हम बार लगा। अंत न आया है वस्त्रों का थक कर वो बेपीर चला, दुखी द्रौपदी की आंखों से बहकर करुणा नीर चला। शासन चीर को खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन जरा सा भी चीर न घटा पाया, भैया आकर के चीर बढ़ाने लगे। और उसी समय जब खींचते खींचते हांफने लगा, भय खाकर गिर गया, उधर दुर्योधन द्रौपदी को देख करके अपनी जंघा बार बार दिखलाता है। क्रोध में आकर के आज भीम जो है ना, जब देखते हैं कि दुर्योधन बार बार द्रौपदी को जंघा दिखा रहा है तो भभक उठे भीम जो है क्रोध में। आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हे कौरवपतियों, सभा में बैठे हुए लोगों, आज मेरा प्रण सुन लो। फिर कहा हाथ ऊंचा करके धर ध्यान सभा वालों सुन लो, प्रण करता हूं सच्चे दिल से होवेगा सच मन में सुन लो। मैं इस पापी दुशासन को रण में अति सीध सुनाऊंगा, मुष्टिक से सीना चूर्ण करूं छाती का खूंटी जाऊंगा। न करूं तो नरक की ज्वाला मुझे जलाए, मिले ना उत्तम गति मुझे धर्म नष्ट हो जाए। भीम ने कहा दुर्योधन, यदि मैंने सभा के मध्य में जो प्रण किया है या प्रण करता हूं, हाथ उठाकर कहता हूं सभा वालों सुन लो, सच्चे दिल से प्रण करता हूं कि मैं इस पापी दुशासन को सभा के मध्य में अवश्य सुला दूंगा। अगर मुक्का मार कर मैंने इसकी छाती का खून ना पी लिया तो हे ईश्वर, मुझको नरक की ज्वाला में जलना पड़े।
सारी सेना में सन्नाटा छा गया। अच्छा नहीं किया द्रौपदी को बुलाकर, अब तो अनर्थ हो जाएगा करोदल पर। तब कृष्णा से कुपति बोलायो मुस्काए, अपने पतियों से स्वयं करवा लो तुम न्याय। आज इतना कह करके धोती ऊंची करके और कहता द्रौपदी आ, अब तू मेरी दासी है और मेरी इस जंगा पर बैठ, मुझसे आलिंगन कर, ओ चार हंसनी पंचाली, कर दूंगा भूमि पर तुझको मैं सारे दुखों से खाली। जिस समय कहा कि आओ मेरी जंघा पर बैठो, बच्चन नहीं थे तीर थे, हुए कलेजे पार, भीम से अति क्रोध कर बोले यो ललकार। रे पापी द्रुपद सुता तो क्या, ये गधा जांघ पर आएगी, तेरा ये करना मुस्काना दम भर में तुरंत भुलाएगी। छिन्न भिन्न सब हाण मात, यदि रक्षी न मैं तो निचोड़ डालूं। जो पितृ लोक मुझको न मिले, निकष्ट योनि में जाऊं मैं, सब सुकृत नाश को प्राप्त होए, हर गिज न सदगति पाऊं मैं। आज भीम ने क्रोध में आकर के दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तू बार बार जो द्रौपदी को जंगा दिखा रहा है ना, एक दिन इसी जंगा के ऊपर मेरी गदा आकर के बैठेगी। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि ये अन्याय कुकर्मी का सह सके भीम बल धाम नहीं, लेकर गदा उठे फौरन वहा, सके क्रोध को थाम नहीं। बोले दुष्ट दुर्योधन तूने लिया नीत से काम नहीं, जांघ तोड़ यदि रक्त न पी लूं तो कुंती सुत नाम नहीं। तोड़ प्रण वीर चला, दुष्ट दुशासन उस अबला का, जब खींचने चीर चला। आज जब भीम की दूसरी प्रतिज्ञा सुनी तो सारे करोदल में हाहाकार मच गया। अनर्थ हो जाएगा महाराज धृतराष्ट्र, अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो पांडव प्रतिज्ञा कर चुके हैं ये प्रतिज्ञा कभी भी अधूरी नहीं होगी। आज महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, हे कृष्णा, हे द्रौपदी बेटी, तुम्हारा शील स्वभाव देखकर हम बड़ा प्रसन्न हुए, जाओ हम तुमको इजाजत देते हैं कि तुम हमसे दो वरदान मांग सकती हो, जो इच्छा हो वो वरदान मांग लो। कृष्णा ने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनय करती हूं कि सबसे पहला वरदान तो ये चाहिए मुझे कि मेरे जो पति हैं वो दासत्व भाव से छूट जाएं, आजाद हो जाएं, उनके अस्त्र और शस्त्र उनको मिल जाएं, वो अपनी इच्छा अनुसार जहां भी जाना चाहें चले जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी हम खुशी होकर के तुझको दो वरदान देते हैं। वरदान तो दे दिए। दुर्योधन पड़ोस में पहुंचा, कहा, पिता ये तुमने क्या किया, सारा मटिया मेट कर दिया, बने बनाए काम को बिगाड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, आप मेरे जीवन को लेना चाहते हैं, पांडवों को मेरे लिए मौत को समान छोड़ करके आप चले जाना चाहते हैं, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। ऐसा करिए, सभा के मध्य में एक नियम और बनाया जाएगा कि जहां पर युधिष्ठिर इतना हारे हैं, एक बार और अपनी किस्मत आजमा लें, मैं एक बार फिर पासा फेंकता हूं, दांव पर लगाता हूं, अगर इस बार ये जीत गए तो इनका जो कुछ भी हारा हुआ माल है वो सब वापिस मिल जाएगा, और अगर इस बार हार गए तो इनको 12 वर्षों के लिए वनवास और 13वें वर्ष के लिए अज्ञातवास, यानी 12 वर्ष तक वन में रहें और 13वें साल में जो हैं वो छिप करके रहें, और छिपी अवस्था में ये पकड़ गए तो फिर इनको 12 वर्ष का वनवास
भोगना पड़ेगा। इस शर्त पर फिर से खेल जो है वो शुरू हो गया। शकुनी ने इस बार भी अपना दांव दिखाया और बेचारे पांडवों की पराजय हुई। पांडव 12 वर्षों के वनवास के लिए तैयार हो गए। बेचारे वो पांचों पांडव वनवास जाने की तैयारी करने लगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से साथियों